बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर यासिर खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन डूइंग वेल लर्निंग फ्रॉम द वीडियोस दैट वी हैव अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इन बिजनेस लॉ आवर प्रीवियस लेक्चर वाज ऑन एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स डिस्कस किए, उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स वगैरह काइंड्स वगैरह पढ़ाने के बजाय आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट लॉ को डिस्कस कराना शुरू किया। देखिए, हम ऑफर के एसेंशियल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स, फिर ऐसी कंसीडरेशन। हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चले कि हमें बातें ज्यादा अच्छे अंदाज में समझ आए। ये वो सीक्वेंस है जो मैं समझता हूँ कि इस सीक्वेंस में अगर लॉ को पढ़ा जाए तो लॉ की सेंस ज्यादा अच्छे अंदाज में क्लियर हो सकती है, बजाय इसके कि हम हर चैप्टर को मुकम्मल करने के ऊपर पर जो है वो कोशिश करें कि हमने मुकम्मल करके फिर ही आगे चलना है। हम वो टॉपिक्स पढ़े, उनकी तरतीब इस तरह से, सीक्वेंस इस तरह से बदल लें कि हमें समझ आने में ज्यादा वो फायदा मंद हो। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है। एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन है? एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की एक ही डेफिनेशन है। सेक्शन 2B कहता है कि व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। व्हेन द पर्सन, जब वही शख्स टू होम प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल की जाती है, सिग्निफाइज, वो जाहिर करता है हिज एसेंट, अपनी रजामंदी देयर टू, वहां पे द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो ये कहा जाता है कि प्रपोजल मान ली गई है। ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। प्रॉमिस की और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन सेम है, सेक्शन 2B दोनों को ऐसे ही डिफाइन करता है। अब इसके एसेंशियल्स फिर क्या निकलते हैं? अब डेफिनेशन में से जब हमने ये कहा कि व्हेन द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड, कि जब वही शख्स जिसको ऑफर की गई है, एक्सेप्टेंस बाय ऑफरिंग, एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी, यानी जिसको ऑफर की जाए वो ऑफरी है और उसने ही एक्सेप्टेंस देनी है, ये पहला एसेंशियल है, एक्सेप्टेंस बाय ऑफरिंग। अब ऑफर दो तरह की होती है, एक स्पेसिफिक ऑफर होती है और एक जनरल ऑफर होती है। जो स्पेसिफिक ऑफर है वो एक खास शख्स को की जाए, तो उसी शख्स ने, जिस शख्स को की जाए वही शख्स उसका जो है वो एक्सेप्टेंस देगा, कबूल भी उसे वही करेगा। हाँ, अलबत्ता उसकी जगह पे उसका जो ऑथोराइज्ड एजेंट है, जिसको उसने इख्तियार दिया हुआ है, उसका कोई नुमाइंदा भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, और एनी मेंबर ऑफ ए ग्रुप। दूसरी ये होती है कि अगर एक खास ऑफर आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को की गई है, आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को कोई ऑफर की है, तो फिर उस ऑफर में जो भी कोई मेंबर हो, एनी मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, उस ग्रुप का कोई मेंबर, यानी ये एक खास ऑफर उस शख्स की बजाय एक खास ग्रुप को है, तो उस ग्रुप का कोई मेंबर उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और जनरल ऑफर ये होती है कि जनरल पब्लिक को कर दी है, तो फिर जनरल पब्लिक में से कोई भी शख्स, एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द ऑफर, जिसके पास, जिसको पता हो कि ये ऑफर की गई है, तो वो शख्स उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, स्पेसिफिक और जनरल ऑफर की। अब इसकी एग्जांपल देखें, एक्स ऑफर्ड टू सेल हिज हाउस टू वाई, एक्स ने वाई से कहा कि वो उसको घर बेचना चाहता है, तो वाई और हिज एजेंट, तो क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर है और एक पर्सन को है, तो उसका कोई नुमाइंदा या वो कैन एक्सेप्ट द ऑफर। अब ये एक केस रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस है। अब हुआ ये, यहाँ पे बी फॉर बोल्टन और जे फॉर जोन्स है। कोई शख्स ये था, ही सोल्ड हिज बिजनेस टू बी, उसने बोल्टन को, बी को अपना कारोबार बेच दिया, और विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज कस्टमर्स, ए ने अपने कस्टमर्स को नहीं बताया कि मैं अपना कारोबार बेच रहा हूँ। इसका मतलब कारोबार बेच दिया, तो जहां कारोबार ए कर रहा था वहां अब बी आ गया, बोल्टन आ गया, वो कारोबार कर रहा है। तो जोन्स ने, जे ने एक ऑर्डर भेजा। अब जे जो है वो वहां पे ए को उस पते पे पहले भेजता होता था ऑर्डर, उसने ऑर्डर भेजा तो वो बी को मिला, क्योंकि उसका कारोबार बी ने खरीद लिया होगा। अब जोन्स ने बाय नेम ए के नाम पे ऑर्डर भेजा, क्योंकि उसे तो ये था कि इस एड्रेस पे ये काम करता है। अब ऑर्डर भेजा गया, उसने ऑर्डर बी वहां पे कारोबार कर रहा था, उसने रिसीव किया और ऑर्डर रिसीव करके वो ऑर्डर बना के डिस्पैच कर दिया उसको। बाद में जोन्स ने वो उसकी डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया, उस बाद में पता चल गया कि ये तो कारोबार वो बेच चुका हुआ है। ए बी अदालत गया और उसने कहा कि देखें ऑर्डर आया है, तो मैंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और मैंने इसको ऑर्डर बना दिया, तो अब ये मुझे उसके पैसे दे।
अब अदालत ने फैसला दिया कि जे नेवर मेड एन ऑफर टू बी। देखें जे ने बी को ऑफर ही नहीं की, और जब तक जब जे ने बी को ऑफर ही नहीं की तो फिर बी उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। ये स्पेसिफिक ऑफर थी, एक खास पर्सन ए को की गई थी। जब ए वहां पे नहीं है, बी है, बी को ऑफर की ही नहीं गई, तो बी ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। सेकंड एसेंशियल है कि एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए वो मिनोइन और गैर मशरूत होनी चाहिए। अब जैसे ऑफर की गई है उसको उसी तरह से आपने एक्सेप्ट करना है, यानी कोई कंडीशन नहीं लगानी। अगर फर्ज करें कि मिस्टर ए बी को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें अपना घर जो है वो 10 लाख रुपए में सेल करना चाहता हूँ, तो बी कहे ठीक है मैं 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। अब अगर तो ऐसा है तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर फर्ज करें कि ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें अपना घर 10 लाख में सेल करना चाहता हूँ, और बी आगे से कह देता है कि जी मैं इसको 9.5 लाख में खरीदना चाहता हूँ, अब चूंकि उसने उसको मिनोइन नहीं माना, उसने तो आगे से कह दिया कि मैं 9.5 लाख में, अब ये नहीं कहा जा सकता कि देखिए जी वो खरीदने को तैयार तो है, ये तैयार नहीं है। एब्सोल्यूट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस जो है। अगर आप साथ में टर्म्स ऑफ ऑफर चेंज कर देते हैं, आप उसमें कोई अल्ट्रेशन कर देते हैं, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसी चीज जो है वो काउंटर ऑफर कहलाती है, यानी ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये काउंटर ऑफर हो जाएगी। इसका मतलब ये तो आप उसे ऑफर कर रहे हैं कि मैं 9.5 लाख में इसको खरीदने को तैयार हूं, अब अगर वो माने तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। अदरवाइज जब उसने 10 लाख की आपको ऑफर की है, आप आगे से 9.5 लाख कह रहे हैं, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। अब इसकी एग्जाम्पल सुन लें कि ए ऑफर्स टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर ₹500। ए बी से कहता है कि मैं 500 रुपए में आपको अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूँ। बी रिप्लाइज That he can buy it for ₹450, तो ये valid acceptance नहीं है। यहाँ भी एक case reference है। अब ये Nayal versus Merritt का case है। M और N से इसको example में denote किया है। M offered to sell land to N for £280। M N से कहता है कि मैं 280 pound में ये अपनी तो property है, land है, उसमें sale करना चाहता हूँ। N accepted। N कहता है कि मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। Sent £80। उसने 80 pound भेज दिए। They promise to pay the balance by monthly installments of £50। और साथ में उसने लिख दिया कि 80 पाउंड में भेज रहा हूँ और 50-50 पाउंड की बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी, कि इन 4 किस्तों में पैसे दे दूंगा। अब देखें ये कहाँ उसने कहा था एम ने एन को कि भी आप किस्तों में पैसे दे देना, ये तो आप कह रहे हैं कि जी मैं जमीन खरीदने के लिए तैयार। अब एम ने इनकार कर दिया, एन अदालत चले गए। अब कोर्ट ने जब बात सुनी तो अदालत ने फिर उसका फैसला दिया कि ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, हेल्ड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो कंडीशनल हो गई। आपने वो कह रहा है मुझे 280 पाउंड चाहिए और आप उसे आगे से उसकी जो एक्सेप्टेंस है उसकी मोड ऑफ पेमेंट को ही अपनी मर्जी का कर लिया आपने कि ये 80 पाउंड ये हो गए और 50-50 की 4 किस्तें होगी, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि ये कंडीशनल होगी। एक्सेप्टेंस वैलिड तब होती है जब वो एब्सोल्यूट हो, मिनोइन हो, जैसे ऑफर की गई है बिल्कुल उसे ही एक्सेप्ट किया जाए और उसके साथ किसी किस्म की कोई शर्त अटैच ना की जाए, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर हम शर्त अटैच कर देंगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी, वो तो काउंटर ऑफर बन। अब थर्ड एसेंशियल है कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए। हमने ऑफर के एसेंशियल्स में पढ़ा था कि ऑफर में पॉजिटिव कंडीशन अटैच की जा सकती है, और पॉजिटिव कंडीशन हमने ऐसे ही कहा था मोड ऑफ एक्सेप्टेंस के हवाले से या मोड ऑफ पेमेंट वगैरह के हवाले से पॉजिटिव कंडीशन ऑफर में बार दफा अटैच की जाती है। एक्सेप्टेंस करते हुए ये याद रखना है कि अगर कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब किया है, तय कर दिया है उसने ऑफरर ने, वो कहता है कि नहीं मुझे एक्सेप्टेंस इसी तरीके से चाहिए, वो कहता है जी मैंने जिस बंदे के जरिए से ऑफर किया आप उसी बंदे के जरिए से मुझे जवाब दे दें, वो कहते हैं जी आप मुझे टेलीग्राम के जरिए से रिप्लाई कर दें, वो कहे जी मुझे फैक्स कर दें, वो कहे मुझे आपने ईमेल करनी है, वो कहे मुझे बाय पोस्ट भेजें, जिस मोड ऑफ एक्सेप्टेंस को उसने फॉलो करने का कहा है तो उसी मोड ऑफ एक्सेप्टेंस को फॉलो किया जाएगा। ये याद रखें कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉलो करना है, अदरवाइज ऑफरर मे रिजेक्ट एक्सेप्टेंस, वरना ऐसा हो सकता है मे रिजेक्ट कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफ एक्सेप्टेंस ऐसी मानी नहीं जाती। अब फिर ऑफरर की कोर्ट में बॉल चली जाती है, अब वो चाहे तो ऑफर आपकी एक्सेप्टेंस को मान ले, आपकी एक्सेप्टेंस को कबूल कर ले, और हो सकता है कि वो इस एक्सेप्टेंस को कबूल ना करे, और अगर ऐसी सूरत होगी तो
तो उसे बताना पड़ेगा ऑफरी को कि जनाब आपने एक्सेप्टेंस में मोड ऑफ एक्सेप्टेंस फॉलो नहीं किया, इसलिए मैं आपकी एक्सेप्टेंस को कबूल नहीं कर रहा। अब इसकी एग्जांपल देखें जरा ना, ए मेक्स एन ऑफर टू बी एंड आस्क्स हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय टेलीग्राम। ए ने ऑफर की और उसने ये कहा कि आपने बाय टेलीग्राम मुझे रिप्लाई करना है। बी सेंड्स हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, बी अपनी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेज रहा है, तो ऐसी सूरत में ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। अब इसमें भी एक केस रेफरेंस है, इलियासन वर्सेस हेनिशॉ का केस है। अब ए और बी से इसको एग्जांपल में को केस रेफरेंस में कोट किया है। ए ऑफर टू बाय फ्लोर फ्रॉम बी एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड एक्सेप्टेंस बाय द पर्सन हु ब्रॉट द ऑर्डर। ए ने बी से कहा कि जनाब मुझे आपसे फ्लोर खरीदना है, आटा खरीदना है, अब आप जिस बंदे के जरिए ऑर्डर भेज रहे हैं ना, इसी को रिप्लाई कीजिएगा। अब उसने क्या किया, बी सेंट हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, उसने एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेज दी। तो अब ए ने एक्सेप्टेंस कबूल करने से इनकार कर दिया, बी कोर्ट चले गया, उसने कहा कि देखें जी इसने मुझे ऑफर की, मैंने वो मिनो इन मान ली है, बाय पोस्ट इसको जवाब दिया है। अदालत ने फैसला दिया कि चूंकि आपने मोड ऑफ एक्सेप्टेंस फॉलो नहीं किया जो आपसे कहा गया था, और उसने ऑफरर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और आपको इन्फॉर्म भी कर दिया है, तो ये वैलिड रिजेक्शन है, आपकी एक्सेप्टेंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फोर्थ एसेंशियल इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये बात ध्यान में रखिए, जिस तरह से आपको बताया था कि ऑफर, अगर एक बंदा किसी के सामने अपने इरादे का बेहद इजहार करे तो वो ऑफर नहीं होती, जब तक कि आपका व्यू ना हो कि आप अगले बंदे की बात जानना चाहें, जब तक आप ऑफर कम्युनिकेट ना करें वो वैलिड ऑफर नहीं है। अब ऐसे ही एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस के हवाले से भी ये याद रखें कि जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना की जाए एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। अब एक बंदा किसी ऑफर के सामने, ऑफरर के सामने महज अपना वो इजहार कर देता है कि हाँ मेरा भी इसको, एक बंदा आपसे कहता है कि जी मैं ये चीज आपको बेचना चाहता हूँ, आप कहते हैं हाँ खरीदनी तो मैंने भी है। अब आप उसके सामने इरादे का इजहार कर रहे हैं, महज इरादा जाहिर कर लेना एक्सेप्टेंस नहीं है। और इवन ये कि फर्ज करें कि आपने किसी को इन राइटिंग एक्सेप्टेंस देनी है और आप उसका जवाब लिख के अपने पास रख लेते हैं और उसको पोस्ट ही नहीं करते, उस तक वो पहुंचाते ही नहीं, तो ये बात याद रखें कि वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। यानी एक्सेप्टेंस जब तक कम्युनिकेट ना की जाए एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जरूरी है। अब इसकी एग्जाम्पल सुन लें, ए ऑफर्स बाय लेटर टू परचेज दीज होम्स, बी एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशन टू सेल इट बट डज नॉट रिप्लाई। अब वो इरादे का इजहार करता है लेकिन जवाब देता ही नहीं है। बी सेल्स टू सी, अब बी ने अगर सी को बेच दिया तो ए हैज नो लीगल रेमेडी अगेंस्ट बी, ए बी के खिलाफ कोई ना कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसा कह के देखिए जी इसने मेरे सामने इरादे का इजहार किया था, इरादे का इजहार कर लेना एक्सेप्टेंस नहीं है। एक और केस है, ब्रॉजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का केस है। अब हुआ ये, बी जो है ही ऑफर्ड टू सप्लाई कोल टू एमआर कंपनी। अब वो रेलवे कंपनी को, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को उन्होंने ऑफर किया कि देखें जी हम आपको कोयला दिया करेंगे, आपने हमारा कोयला एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। द मैनेजर ऑफ एमआर कंपनी एक्सेप्टेड द ऑफर। अब उसने, जो मैनेजर था रेलवे कंपनी का, उसने ऑफर एक्सेप्ट भी की बट फॉरगॉट टू कम्युनिकेट टू बी। अब उसने अपने दराज में रखी उसको टेबल पर पड़ी रहेगी, वो भूल गया, उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया, पोस्ट ही नहीं किया ना। अब अदालत में जब ये बात गई तो वहां पे उसने, जो मैनेजर था एमआर कंपनी का, उसने कहा जी देखें ये कम्युनिकेट नहीं हो सकी, इधर ही पड़ी रह गई है। तो जब वो कम्युनिकेट ही नहीं हुई एक्सेप्टेंस, इरादे का इजहार हो गया था, वो इन राइटिंग कम्युनिकेट हुई नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ, ये वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं। हेल्ड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एज वी वाज नॉट इन्फॉर्म्ड, वी तो इन्फॉर्म ही नहीं हुआ। पांचवा एसेंशियल है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। अब ये बात याद रखिए, ऑफर एक्सप्रेस और इंप्लाइड होती है, ऐसे ही एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस वो होती है जहां अल्फाज आ जाए, और वो अल्फाज बोल के हों या लिख के हों, दोनों तरह से वैलिड है। और जो इंप्लाइड है वो एक्शन से, सर्कमस्टांसेस से, कोर्स ऑफ डीलिंग से, कंडक्ट ऑफ पार्टी से जाहिर होती है, ये मानवी होती है, उससे वो मीनिंग निकालना पड़ता है। जैसे एक कुली आता है, वो आके सामान उठाता है और चल पड़ता है, वो उसकी ऑफर होगी। अब आपने उसे कहा ही कुछ नहीं है, आप भी उसके साथ साथ चल पड़े और डब्बे में जाके बैठ गए और वहीं पे उसने सामान रख दिया। अब ना वो बोला कुछ ना आप बोले। ऐसे ही कोई शू शाइनर आता है, वो जूते पॉलिश करने वाला, वो आके बैठता है, वो जूता पकड़ता है, आपने जूता उतारा हुआ है, वो उसे पॉलिश करना शुरू कर देता है, उसका पॉलिश करना, वो एक्शन जो है
वो इम्प्लाइड ऑफर है और आपने उसे कहा ही कुछ नहीं है, आप भी खामोश रहे, तो वो जो हालात हैं सर्कमस्टांसेस यही शो कर रहे हैं, कंडक्ट पार्टीज का ये शो कर रहा है कि ये इम्प्लाइड ऑफर होगी, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होगी। तो एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। और इसकी एग्जाम्पल से देखें, ए ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल हिज साइकिल टू बी, ए ने बाय लेटर कहा बी को कि मैं ये अपनी साइकिल तुम्हें 2000 में बेचना चाहता हूँ, बी एक्सेप्टेड इज ऑफर एंड सेंट ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा तो अल्फाज आ गए, लिख के आ गए, ये एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है। अब एक और केस रेफरेंस है बी राव वर्सेज ए राव का। अब हुआ ये कि ए बेडो प्रॉमिस टू गिव सम प्रॉपर्टी टू हर नीस, एक बेवा ने अपनी भांजी से ये कहा कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगी अगर तुम मेरे पास आके रहो। अब उसकी जो भांजी थी उसने कहा कुछ नहीं, दी नीस स्टेड इन हर रेजिडेंस, वो आई और आके उसके घर रहना शुरू कर। अब देखें उसका कंडक्ट जो है, उसके एक्शन ये जाहिर कर रहे हैं कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। लेटर ये हुआ उसकी डेथ के बाद उस विडो की, अब उसकी मांझी को प्रॉपर्टी ना दी गई तो वो अदालत चलेगी। अदालत में जाकर उसने कहा कि देखें ये मुझे ऑफर हुई थी और मेरा कंडक्ट ये है, मैं आके रही, इसका मतलब मैंने माना तो एक्सेप्टेंस दी है मैंने, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। तो अदालत ने फैसला दिया कि ये एक्सेप्टेंस वैलिड है और दैट नीस वाज इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, और उस मांझी को उस विडो की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया। छठी जो कंडीशन है, एक्सेप्टेंस फॉलोज ऑफर। एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद आती है, लेकिन ऑफर पहले है, एक्सेप्टेंस बाद में है। एक चीज आप एक्सेप्टेंस पहले दे देते हैं और बाद में उसे कहें आप मुझे ऑफर कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऑफर पहले होनी है, ऑफर के बाद में एक्सेप्टेंस होनी, ये एसेंशियल है। अब अगर ऐसे ही आपको ऑफर का इल्म ही ना हो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। देखें एक जैसे हमने ऑफर में भी ये डिस्कस किया था, हुआ ये कि एक बंदे ने रिवॉर्ड जो है वो अनाउंस किया हुआ है, उसने कहा मेरा रेडियो गुम हो गया है, मेरे पास आके जो मेरा गुमशुदा रेडियो मेरे पास ले आए, मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। अब देखें एक बंदा है उसे पता ही नहीं है, उसको रेडियो मिलता है, वो ले जाके उसे दे देता है। अब उसने एक्सेप्टेंस दे दी, इसका मतलब उसके काम ने वो चले तो गया लेकिन उसे ऑफर का इल्म ही नहीं, वो रेडियो उसको मिला वो ले गया, काम उसने कर दिया। अब वो उसे कहे थी कि मुझे रिवॉर्ड दिया जाए, ऐसा नहीं मुमकिन, क्यों? एक्सेप्टेंस उसने जो दी है ये असल में एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी, उसको तो ऑफर का इल्म ही नहीं था, ये तो उस बोले जा के उसने वो काम कर दिया है, उसको वो गुमशुदा रेडियो उसको दे दिया है। तो एक्सेप्टेंस तब होती अगर उसे उस ऑफर का इल्म होता, यानी ये आम जो जहन उसे एक्सेप्टेंस माने ये एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ऑफर का इल्म ही नहीं था, उसने अपनी मर्जी से, उसने को वॉलंटियर एक्ट किया है, वॉलंटेरियली एक्ट किया है। तो इसको अगर वो कंपनसेट करना चाहे तो कर दे और अगर ना करे तो आप रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते। और इसके साथ ही जो है वो एक और एग्जांपल देखें, कोई कंपनी थी उसने शेयर एक शख्स को अलॉट कर दिए और उस शख्स ने अप्लाई ही नहीं किया था, बाद में उस शख्स ने अप्लाई कर दिया, उसने कहा जी देखिए अब शेयर तो मुझे अलॉट हो ही गए हैं तो मैं अब अप्लाई कर देता हूँ। देखिए ऐसा मुमकिन नहीं, क्यों? क्योंकि ऑफर पहले कंपनी की तरफ से जो इनविटेशन टू ऑफर है उसके बदले में आपने शेयर के लिए अप्लाई करना है, आपने ऑफर देनी है, बाद में कंपनी ने आपको शेयर अलॉट करने हैं तो वो एक्सेप्टेंस होनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सेप्टेंस पहले हो जाए और ऑफर बाद में आए, ये काम करना मुमकिन नहीं है। अदालत ने कहा कि जो प्रीवियस अलॉटमेंट थी वो इनवैलिड थी, वो जो शेयर उसे अलॉट हुए उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, अब वो ऑफर करके वो शेयर अपने नाम पे नहीं ले सकता। अब लास्ट एसेंशियल ये है विद इन रीजनेबल टाइम, यानी एक मुनासिब वक्त में एक्सेप्टेंस देनी है आपने, यानी ऑफर हुई है उस ऑफर के बाद एक खास मुनासिब वक्त में आपने अपनी कबूलियत का इजहार करना है। देखिए अगर तो ऑफर में कोई टाइम स्पेसिफाई किया गया है कि विद इन ए वीक या विद इन 2 वीक्स विद इन 3 डेज या विद इन ए मंथ कोई वक्त दिया हुआ है, तो फिर उस वक्त के दौरान अगर वो टाइम स्पेसिफाई किया गया है तो उस स्पेसिफाइड टाइम के दौरान ही आपने अपनी एक्सेप्टेंस देनी। लेकिन अगर कोई वक्त स्पेसिफाई नहीं किया गया, यानी इफ टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द ऑफरर, तो ये याद रखें कि जो एक्सेप्टर है ऑफरी है उसने अपनी एक्सेप्टेंस एक मुनासिब वक्त में देनी है। अब ऐसा नहीं है लेकिन एक बंदे ने आपसे कहा कि यार मैंने अपना घर बेचना है 2 लाख रुपए में, अच्छा आपने वो उसकी ऑफर तो सुन ली,
आप 3 साल बाद उसे कहेंगे वो आपने घर के बेचने के बारे में कहा था मैंने खरीदना है, अब वो उस घर को वो चाहे आगे 4 आज बिक चुका हुआ हो। अब याद रखें कि जो एक्सेप्टेंस है उसका एक टाइम रीजनेबल होना चाहिए, विद इन रीजनेबल टाइम आपने एक्सेप्टेंस देनी। रीजनेबल होता क्या है, देखें ये डिपेंड करता है अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, हालात क्या हैं, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्सेप्टेंस क्या है, तो उसके बिहाफ पे उसके ऊपर जो है वो आप डिसाइड करते हैं कि एक्सेप्टेंस के देने का दौरानिया क्या होगा। अब हुआ ये भी कंपनी का है, रैम्सगेट विक्टोरिया होटल और कंपनी वर्सेस मॉन्टेफायर, ये एक केस हुआ। कंपनी ने जो एम था मॉन्टेफायर, एम अप्लाइड फॉर शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन जून, उसने जून में अप्लाई किया, अलॉटमेंट वाज मेड इन नवंबर, एम रिफ्यूज्ड टू टेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स, उसने कहा मैंने तो नहीं लेने, जून में अप्लाई किया आप नवंबर में मुझे अलॉट कर रहे हैं, इट वॉज हेल्ड, अब उसने लेने से इनकार कर दिया, कंपनी अदालत चले गई कि देखे जी इसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हम इसे शेयर अलॉट करें, अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अदालत ने फैसला दिया एम कुड रिफ्यूज बिकॉज द ऑफर हैड लैप्स्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। अदालत ने कहा देखे जी मुनासिब सा वक्त गुजर गया हुआ है, जून में अप्लाई किया हुआ है, नवंबर में आप जाके उसे अलॉट करें, तो ये एक्सेप्टेंस जो आप दे रहे हैं ये इनवैलिड है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये साथ अगर रूल्स के ऊपर पूरा उतरे, ये रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस हैं, ये एसेंशियल्स हैं वैलिड एक्सेप्टेंस के, ये प्रीरिक्विजिट्स हैं, लवाजमात हैं, ये पूरे करने चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस इन सातों के ऊपर पूरा उतरी है फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस है, और वैलिड एक्सेप्टेंस होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस पर अपने कमेंट्स दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।